हैदराबाद फेज 3 पिशावर में बनाया गया बाबे पिशावर फ्लाईओवर, जिसकी तामीर मुकम्मल हुई सिर्फ 6 माह की मुद्दत में और इफ्तिताह किया गया जनवरी 2016 में, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही इस फ्लाईओवर की सतून शिकस्त और रेत का शिकार हो गए हैं। ₹2 अरब की लागत से बनाए गए इस मुनफरद नक्शे के हामिल फ्लाईओवर की मुद्दत 60 साल बताई गई थी, लेकिन अब इसकी सतून में पड़ने वाले क्रेक कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। पीडीए हुकाम ने पुल में होने वाली इस टूट फूट को मामूली और मौसमियाती तब्दीली का सबब करार दिया है। एक टुकड़ा जो था थर्मोपोर का वो टूटा है, तो ये जॉइंट हुए हैं, तो जॉइंट होने की वजह से इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस आई है, तो इसका जो कंक्रीट कवर है जो सरिये के बाहर है उसमें क्रैक डेवलप हुआ था, जो कोई डेंजरस क्रैक नहीं है और इंशाल्लाह ये अपनी यूजफुल लाइफ पूरी करेगा। क्रैक मामूली है या बड़े, लेकिन शहरियों में परेशानी की लहर जरूर दौड़ गई है जो इस फ्लाईओवर को हैदराबाद आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ा कारनामा किया है, तो ये भी कबूल कर ले कि इसमें गलती है, इस गलती का खमियाजा ACPP के आवाम ही इसको करेंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 2 अरब रुपए इस सूबे के गए, उसकी वजह से BRT का जो सारा सब कुछ हो रहा है ये भी इसी की वजह से हो रहा है। अगर ये पुल ठीक बनता, टेक्निकली ठीक होता, तो BRT सीधा कारखानों को गुजर जाती। दुनिया न्यूज़ की निशानदेही पर इंतजामिया ने पुल में पड़ने वाली दरारों को सीमेंट से भरने का काम शुरू कर दिया है। बाज़ जगहों पर ये क्रैक तख्ते लगाकर बंद किए गए हैं। इस पुल की मुख्तसर वक्त में तामीर पर मुतल्लिका हुकाम को इनामात भी दिए गए थे। कैमरामैन नौहद हयात के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।